विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बारिश के बाद इन दिनों साफ किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर होने की वजह से स्टैचू को साफ करना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए पूरे स्टैचू को साफ करने के लिए कर्मचारियों को मजबूत रस्सी से बंधे बकेट में बैठकर ऊपर जाना पड़ता है। स्टैचू की साफ सफाई के साथ साथ स्टैचू के पैर के पास दो गेट भी बनाए जा रहे हैं। इन गेट की ऊंचाई 2.1 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक साल होने को हुआ है। एक साल के भीतर स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए 26 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहां पे आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहां पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके अंदर काम चल रहा है। दरअसल ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है और ब्रॉन्ज की बनने की वजह से एक साल के भीतर के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके कलर जो कॉम्बिनेशन है इसमें थोड़ा बदलाव आता है और नेचुरल है क्योंकि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज के अंदर जो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कॉपर का आता है, जो कॉपर की वजह से जो कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा बदलाव आता है। लेकिन दूसरी बात हम लोग आपको ये बताते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जो अभी गेट बनाए जा रहे हैं, जो पैर का भाग है वहाँ पर दो गेट बनाए जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि ये जो गेट है इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जब कोई इमरजेंसी आ पड़े तो इसकी वजह से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैर के भाग के अंदर दो गेट बनाए जा रहे हैं, मतलब एक चार गेट बनाए जा रहे हैं, मतलब एक गेट से आप लिफ्ट में जा पाएंगे और एक गेट से यहाँ पे जो स्टेप बनाए गए इसके अंदर जा पाएंगे। मतलब कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर फिलहाल जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है इसके अंदर साफ सफाई से लेके जो गेट बनाने का काम है वो चल रहा है। ये प्रतिमा की जो बाह्य सपाटी है उनकी साफ सफाई करने की पद्धति अन्य प्रतिमाओं से अलग है, छोटी प्रतिमाओं से अलग है। इसके लिए जो जरूरी सामग्री और पानी वगैरह स्टैचू के अंदर इनका प्रबंध किया गया है और जब भी उनकी बाह्य सपाटी की साफ सफाई और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो वहाँ कोई डेजिग्नेटेड प्लेस सुनिश्चित किया हुआ प्लेस जो डिज़ाइन के समय से वहाँ से प्लेट को खोलकर सस्पेंडेड रोप के मार्फत जो हमारे तालीमबद्ध कारीगर है वो पानी और सामग्री लेकर उतरते हैं और बाह्य सपाटी का मेंटेनेंस और साफ सफाई करते हैं और इसके बाद फिर से वो ओपनिंग में अंदर स्टैचू में चले जाते हैं और जो ब्रॉन्ज प्लेट निकाली गई थी उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाता है और वो जो ब्रॉन्ज प्लेट निकालने की जगह है वो डिज़ाइन के तबके से सुनिश्चित की है और बांधकाम के समय समय रखी थी, कोई नया मॉडिफिकेशन ऑल्टरनेशन रेक्टिफिकेशन नहीं किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर स्टैचू के पैर के पास बन रहे गेट को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन को एक साल बाद यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट गेट बनाने के लिए याद आया है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल पूछने पर प्रशासन अब लीपापोती कर रहा है।